स्टूडेंट्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन करूंगा। पिछले के वीडियोस में मैंने क्वेश्चन 5 बताया था ना, तो देखिए 6 क्वेश्चन जो है ये आपके मैथ का है, एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के सुनाता हूँ क्या कहता है। लिखा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशकों से 100 कुल नाम लिए गए, उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बराबरता बंटन प्राप्त हुआ, जो कि लिखा है अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29 वाले हैं, 6, 30, 40, 16, 4, 4 है ना। तो कह रहा है कि कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे माध्यक निकालते हैं। इसका माध्य भी निकालना है, आप सब बना सकते हैं। तो आइए मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो ये जो था ये आपके डाटा को मैंने नोट कर लिया, माध्यक निकालना है। अब यहाँ से संचयी बराबरता बनाएंगे। संचयी बराबरता में 6 का 6 30, 6 36, 36 हुआ, 36 में 40 जोड़ेंगे तो 76, 76 6 82, 10 92, 4 96, 4 100। यहाँ आप ऐड करेंगे तो ये भी 100 आएगा, ये और ये इक्वल होते हैं। अब आगे क्या करेंगे, एन बाई टू निकालेंगे। तो एन बाई टू तो 100/2, तो 100/2 यानी कि 50 हुआ। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता, तो 50 से ठीक बड़ी जो संचयी बराबरता है आप देख सकते हैं 76, थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं 76, तो इसको आप राउंड कर लें, ये 50 से ठीक बड़ी है संचयी बराबरता है ना 76, इसलिए जो हमारा माध्यक वर्ग होगा ये 7 से 10 होगा। माध्यक वर्ग बराबर 7 से 10, ठीक है ना। अब आइए माध्यक का सूत्र लिखाते हैं। तो माध्यक बराबर जो सूत्र होता है इस तरह का होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा में F गुने H। L का जो मान है 7, एन बाई टू देखिए 50 आया, 50 सी एफ यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले, तो 76 से ठीक पहले देख ले कितना है 36 है ना, इस 36 को पुट कर देंगे और फिर नीचे में एफ भरना है, तो एफ यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 40 पुट कर लेते हैं। और एच कितना का अंतर चल रहा है 3 का, तो 3 7 प्लस 50 में 36 घटेगा 14 इंटू 3 बटा में 40, क्लियर। तो 7 प्लस 14 तीन 42, 42 बटा में 40 भाग करेंगे तो 7 प्लस 40 एकम 40 हो गया 40, फिर नहीं कटेगा तो पॉइंट बिठाएंगे तो हो जाएगा 200, एक जीरो लगे तो इतना बार में 40 पाँच 200, तो इसका जो आएगा 8.05, ये जो हुआ आपका माध्यक हुआ, ठीक है ना। तो मैंने जो बताया उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले वीडियोज़ में इसके आगे के क्वेश्चन बताऊँगा। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।